समय है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं रोजालिन स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का सुबह बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि अभी हम हैं भवानीपाटना में और अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे कोरापुट के जयपुर के लिए। फिर वहाँ से हम सोचे हैं कि आज चलेंगे गुप्तेश्वर। तो भवानीपाटना से कोरापुट अराउंड 165 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये जर्नी। सभी को फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में और अभी हम आके पहुंच चुके हैं कोरापुट के बहुत ही जाना माना मंदिर जो कि है गुप्तेश्वर शिव मंदिर। ये अगर आप जयपुर से देखेंगे तो ये अराउंड 60 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है और अभी हम चलेंगे ऊपर दर्शन के लिए। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति भी बाहर बनाया गया है, तो चलिए चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर एंट्री करने से पहले यहाँ पे और एक शिव मंदिर है और पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पे एक गुफा भी है। माँ शेरावाली की यहाँ पे एक सुंदर सी मूर्ति है, उसके साथ साथ श्री राम भैया लक्ष्मण और माँ सीता की भी मूर्ति है और जहाँ पे श्री राम वहाँ पे बजरंगबली। यहाँ पे अभी जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, कितना सीढ़ियाँ हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ, चलिए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाने के लिए एक सीढ़ी है और फिर आने के लिए उस तरफ से एक सीढ़ी है। 232 सीढ़ियां हैं टोटल और पूरा एरिया जंगल से भरा हुआ है। कुछ बंदर हैं आगे। बंदर को डाकी दे तो आ जाओ, बंदर कोई दे हिल्लू आयला नहीं बंदर। जय हो बजरंग बली। जय हो बाबा की। Thank you.
अभी बहुत ही सुंदर दर्शन के बाद हम गुफा से बाहर गए हैं। ये गुफा मतलब उस तरफ से एंट्री होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। इतना सुंदर ये शिवलिंग है, बहुत 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 बड़ा है ये शिवलिंग। मैंने ऐसे ही पूछ लिया पुजारी जी से कि कितना हाइट रहता है शिवलिंग का। ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो उन्होंने बताया कि हर शिवरात्रि में जब भगवान का जो वस्त्र है, अलंकार है, उन्हें जो पहनाया जाता है, तो कुछ शॉर्ट पड़ता है और उससे ही पता चल रहा है कि ये लास्ट साल में ये इतना बड़ा हुआ है लिंगम का साइज। तो अगर आप ज़रूर आइए, अगर आप एक शिव भक्त हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ का जो अनुभूति है वो ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं आपको गुफा का एक फुटेज अच्छे से दे देती हूँ। देखिए ये है वो गुफा और यहाँ से हम एग्जिट करके आए हैं नीचे गुफा के अंदर। शिवलिंग है, बहुत बड़ा है शिवलिंग। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ वनवास में निकले थे, तभी दंडकारण्य जाने के समय यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग का पूजा किया था पहली बार, और उन्होंने ही इस शिवलिंग को गुप्तेश्वर के नाम से नामित किया था। कितने को के जी? कितने के जी? 400। से उतरने के बाद अभी हम इस तरफ चलेंगे गुप्त गंगा के दर्शन के लिए। यहाँ पे ना टोटल 8 केव्स हैं, मतलब गुफा है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है पारावेड़ा केव, स्वर्ग द्वारा केव, काफी सारे केव्स है, मतलब काफी सारे नहीं, 8 केव्स हैं यहाँ पे। और अभी हम चल रहे हैं गुप्त गंगा की ओर। मंदिर के पास ही होटल आलिशान के नाम से एक होटल है, तो यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आप रख सकते हैं। इधर चालू ची कि नहीं कि बंद ची चल ची ना नंबर आप रख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका स्टे करना है तो यहाँ पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। और ये हम आ गए हैं गुप्त गंगा के पास, गंगा साबेरी घाट। ये जो पर्टिकुलर घाट है इसे साबेरी घाट कहा जाता है। चलिए नीचे से देख के आते हैं। ये है गुप्त गंगा और ना इस साइड का, मतलब अभी हम जिस साइड में हैं ये तो उड़ीसा है, और गंगा के उस पार छत्तीसगढ़ है, तो ये बॉर्डर है कह सकते हैं आप। घना जंगल के बीचों बीच हमारे महादेव यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पूजा पा रहे हैं। और पूरा एरिया मतलब इतना ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है, उसके साथ साथ आप जब दर्शन करेंगे इतना बड़ा सा शिवलिंग, वो देख के आपका मन पूरा प्रसन्नता से भर जाएगा। और अगर आप कोरापुट आ रहे हैं तो गुप्तेश्वर को अपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शन है वो मतलब ऐसा वैसा नहीं, ये बहुत ही खास है यहाँ का शिवलिंग का दर्शन। अभी हम ये एक रास्ता है ऊपर, मतलब गुप्त गंगा इस साइड में है तो ऊपर एक रास्ता है ये, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ये उड़ीसा में नहीं आता, ये छत्तीसगढ़ में ही आता है। नंदी कितने दूर में है? पास में तो ऊपर, मैंने सुना कि एक नंदी है ऊपर, तो इसीलिए मैं ऊपर आ रही हूँ। यहाँ पे एक पूरा गांव है और ये गांव के लोगों को
उड़िया भी नहीं आता, ये छत्तीसगढ़ी में ही बात कर रहे हैं। ये देखिए हम फिलहाल काफ़ी ऊपर आ गए हैं और तो फिलहाल हम छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है पूरा जंगल है, तो वो जो गुप्त गंगा है उससे थोड़ी आगे आपको आना पड़ेगा चढ़ के, फिर अभी हम उतर रहे हैं। इस तरफ से यहाँ का नज़ारा और भी बहुत बढ़िया से आ रहा है, लोग यहाँ से देख लीजिए। मैं अभी और नीचे नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अकेली आई हूँ, अभी हम रिटर्न चलेंगे। ये छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ से तो ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ ये हम उड़ीसा में हैं। आप रे काफ़ी दूर तो चल के आ गए हैं और गुप्त गंगा का भी बहुत सुंदर सा व्यू मिल गया, बट मैं कहूँगी कि आप अकेले मत आइए, अपने मतलब ग्रुप के साथ ही यहाँ आइए। देखिए ना, मैं अकेली आ गई थी, मुझे थोड़ा अभी डर लग रहा है। कोई बात नहीं, हर हर महादेव। नंदी कहाँ पे है वो तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि शायद नीचे होंगे, उतना दूर मैं गई नहीं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ का लस्सी मतलब ये जो दही पानी उसे आप जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि यहाँ हर जगह मिल रहा है और थक हार के इतनी धूप में। हाँ, खट्टा। तो ये था गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और गुप्त गंगा जिसका कि दर्शन बहुत ही सुंदर से हुआ। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।